वेलकम टू माई चैनल वगैरह हमसे बाद में कर लेंगे। आज तो मैं लूमिस मेथड सिखाती हूँ, हाउ टू मेक योर पोर्ट्रेट्स रियलिस्टिक यूजिंग लूमिस मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला रेफरेंस इमेज मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। स्टार्ट करो एक बड़े से सर्कल से और उसके बीचों बीच एक सीधा सा लाइन बनाओ, विच इज कॉल्ड सेंटर लाइन। अब हम बीच में और एक लाइन डालेंगे जो कि है हमारा आईब्रो लाइन। इससे हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। अब ये जो छोटे लाइन्स हैं वो एक्चुअल में ओवल्स होते हैं, पर जब हमारा फ्रंट फेसिंग होता है तब हम ओवल नहीं एक स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। अब इन्हीं दोनों लाइन्स को टच करके हम एक नोज लाइन बनाएंगे, उसके बाद एक लिप लाइन एंड देन लास्टली चिन लाइन। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट तुम जॉ लाइन के लिए भी मार्किंग्स कर सकते हो जैसा अभी मैंने किया है। अब लास्टली हम और दो लाइंस बनाएंगे, एक आई लाइन और दूसरा हेयर लाइन। बाय द वे इसके बाद हम एक एक्चुअल पोर्ट्रेट बनाना भी सीखेंगे, तुम इनके नाम भी नोट डाउन कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू आवर एक्चुअल पोर्ट्रेट। इसको मैंने नीडेबल से ही चिपका दिया है। तो जैसा कि मैंने डेमो करके दिखाया था, हम लोग पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसको हम मिडल से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं सारे मेजरमेंट्स पेंसिल से ही ले रही हूँ। अगर तुम्हारे पास एक प्रिंटआउट है तो उसका यही फायदा होता है। तो ऐसे मेजर करके मैंने सारे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिए हैं। अब साइड्स के दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे एंड वी आर रेडी टू डू दी आईज। तो अभी मैं अपने पेंसिल से दोनों आईज को मेजर कर रही हूँ और उसके बीच में कितना गैप है वो भी मेजर कर रही हूँ। एक बार मार्किंग्स मिल गई तो उसको स्केच करना चालू कर दो। आईब्रो स्केच करने के बाद तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है अपने आईज के लिए। तो जब भी पॉसिबल हो पहले आईब्रोज बना लो, उसके बाद आईज पर जाना। बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि आईज हम स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब जो लाइन है वो आईज के ऊपर आएगा या नीचे आएगा या मिडल में आएगा। तो जहाँ तक मैंने प्रैक्टिस किया है, आईज जो है वो मिडल में ही आता है, मतलब कि जो लाइन है वो आईज के मिडल से ही जाता है। अब देखो जैसे कि तुमने एक चीज़ को स्केच कर लिया है तो वो एक रेफरेंस बन जाता है दूसरी चीज़ के लिए। जैसे मैंने आईज को अभी स्केच कर लिया तो वो मेरा रेफरेंस हो गया है नोज के लिए। उसके लिए मैंने मार्किंग्स कर लिए थे एंड अब मैं नोज बनाऊंगी। नोज के लिए मैंने 3 सर्कल्स वाला मेथड यूज़ किया है। ये बहुत ईजी भी है, तुम डायरेक्टली भी बना सकते हो बाय द वे, क्योंकि डायरेक्टली भी ईजी ही पड़ता है। अच्छा तो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, जब मैं ड्रॉ कर रही थी तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में कुछ तो चेंज लग रहा था मुझे, बट देन जब मैंने शेड कर लिया उसके बाद मुझे समझा कि प्रॉब्लम उसके नोज़ में थी, मतलब कि जो नोज़ का लेंथ है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा फेस इतना भी ज़्यादा रिजेंबल नहीं कर रहा था, परफेक्ट नहीं लग रहा था मुझे शेडिंग करने के बाद। पर अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि मैंने शेड कर लिया था। इसीलिए एक बार जब तुम स्केच कर लो उसको अच्छे से देखो कि कुछ मिसिंग तो नहीं है या फिर कुछ चेंज तो नहीं करना है, क्योंकि शेडिंग के बाद बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है वापस से उसको जैसा चाहिए वैसा बनाना। तो लिप्स में भी मैंने वही टेक्निक यूज़ किया है, मैंने आईज को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है। जब तुम्हें लग रहा है कि मेजरिंग लाइंस का काम हो गया है तो उसको इरेज कर दो, वरना उससे तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकती है। अब एक मैं तुम्हें टिप देने वाली हूँ, जब भी तुम स्केच करो ना तो एक शेडिंग का लेयर डाल दो ताकि तुम्हें पता चले कि कहाँ पर लाइटनेस है और कहाँ डार्कनेस है। इसके हेयर के पार्ट में इतना कुछ था नहीं डिटेलिंग, क्योंकि सिर्फ एक आउटलाइन ही बनाना था, बाकी का सारा ब्लैक ही था। ऐसा नहीं कि हाइलाइट्स भी हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं था। अब बस नेक बाकी था स्केच करने के लिए। तो अब मैं वही सारा बेसिक शेड कर रही हूँ जो कि मैंने तुम्हें अभी बोला था। HB पेंसिल यूज़ करो और उससे सिर्फ एक हैचिंग टाइप भी डाल दोगे ना तो भी सही रहेगा। जहाँ पर भी तुम्हें डेप्थ एरिया लग रहा है बस वहाँ पर ही तुमको हैच करना है। जैसा कि मैंने कहा था हेयर में कुछ डिटेलिंग नहीं है इसलिए वो सारा ही पार्ट हैच हो जाएगा। तो इस पार्ट में मैंने सिर्फ तुम्हें स्केचिंग बताई है, शेडिंग जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि YouTube तुम्हें ऐसे ही वीडियोस रेकमेंड करते रहे। तो अंटिल द नेक्स्ट पार्ट, सायोनारा।